हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है, इनफैक्ट कुछ लोग तो जानबूझकर कंफ्यूजन फैला भी रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पैनिक हो गए हैं और वो भी ये सोच रहे हैं कि किस तरह से हम तैयारी करें। देखिए, हमारा मोटो ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ही हो या फिर सब्जेक्टिव हो, जो भी हो टाइम पर हमें पता चले, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी तैयारी कर सके, राइट। तो यही जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के सामने आज लेकर के आई हूँ। हम जो है कॉलेजेस में बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ, बीएड फर्स्ट ईयर में जब हमने कॉलेजेस में बात करें, हमारे स्टूडेंट्स कॉलेजेस में बात कर रहे हैं, तो उनको यही रिस्पांस मिल रहा है कि ओएमआर बेस्ड होगा। यूनिवर्सिटी में जो है किस तरह से चलता है आपको भी पता है, कॉल रिसीव नहीं करते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर का क्या स्टेटस है वो भी मैं जो है क्लियर करूँगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियरली ये बताऊँगी कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है जब इस तरह का कंफ्यूजन फैला हुआ है तो, और क्या क्या न्यूज़ जो है इसमें निकल करके आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बी एड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। साथ साथ पेड नोट्स और पेड क्लासेस जो है आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, बिहार यूनिवर्सिटीज़ के फर्स्ट ईयर एंड बिहार बी एड एंट्रेंस, इन सब के पेड क्लास और पेड नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ साथ हमने आगरा और अवध यूनिवर्सिटी के बी एड सेकेंड ईयर का भी क्लास लेकर के आए हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग की तैयारी, अब हम करें कैसे, हमारे पास यही क्वेश्चन है। हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फंसना नहीं चाहते हैं और ना ही किसी को गलत और सही जो है ठहराना चाहते हैं। सबसे पहली बात, कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट ने जो है मैसेज किया, उनको भी मैसेज आया है, वो आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वहाँ पर जो है वही मैसेज जो पेपर का जो है कि बी एड और विधि की परीक्षा जो है ओएमआर पर होगी, 2022 प्रथम वर्ष की परीक्षा जो है ओएमआर पर होगी, इस तरह से जो लिखा हुआ वही चीज़ें जो है उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ओएमआर बेस्ड होने वाली है, तो अब हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। आगरा बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है, और जब हमारे पास एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि मैं आप लोग को अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट दूंगी जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो आगरा जो फर्स्ट ईयर है बीएड फर्स्ट ईयर, उनके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं। अब बात करते हैं आगरा बीएड सेकेंड ईयर, उनके लिए मैं बोलूँगी कि हम जो है आप लोगों को सेकेंड ईयर में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि टाइम मिलेगा अब। अगर इस तरह से इन लोगों ने फेरबदल किया है तो टाइम तो देंगे ही, तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके साथ मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देते चलूँगी, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। एक्चुअली में ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारे लिए हो गया है, लेकिन कोई नहीं, इस चैलेंज को भी हम लोग अच्छी तरीके से लेंगे और इसमें भी अच्छा अपना बेस्ट एंड बेस्ट कर आएंगे। तो आप लोगों के लिए यही रिक्वेस्ट है, आप जब तैयारी कीजिए तो डिस्क्रिप्टिव भी कीजिए, डिस्क्रिप्टिव मींस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए एंड देन ऑब्जेक्टिव कीजिए। अगर आप विदाउट क्वेश्चन, विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बीच में से आएगा, बहुत ही इंटरनल रहेगा, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कॉन्सेप्ट वाइज जो है स्टडी कीजिए, कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपरेशन कीजिए एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए। इससे रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज आता है डेफिनेटली मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।